हेलो गाइज, आज की वीडियो में हम कम्प्लीटली बात करेंगे यूजी और पीजी की फीस पेमेंट करके देखेंगे। कम्प्लीट ऑफिशियल वेबसाइट में आपको ओपन करके दिखाऊंगा और कौन सी साइट से अपनी फीस जमा कर सकते हैं। ठीक है, अपने मोबाइल पीसी लैपटॉप से भी अपनी जमा कर सकते हैं, कोई भी अपना एनीबॉडी करवा सकता है। वो कैसे कर सकते हैं कम्प्लीट इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। ठीक है, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा डिस्प्ले ओपन किया हुआ है कंप्यूटर का। ठीक है, और यहाँ पे मैं आपको इस डिस्प्ले पे लेके चल के वहाँ पे मैं आपको इसके साइट के बारे में बताऊँगा, कौन सी साइट पे आप फीस पेमेंट कर सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा, और कैसे इसका क्या पासवर्ड रहेगा और क्या इसकी यूज़र आई डी होगी, कहाँ से मिलेगा। ठीक है, कम्प्लीट इस वीडियो में बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल करियर करेंसीज में सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में बने रहे, यदि वीडियो आपको बहुत अच्छी लगे तो आप वीडियो लाइक जरूर शेयर करें। ठीक है, मैं आपको शुरू से दिखा देता हूँ कैसे क्या करना है। जैसे यहाँ पर गूगल पे पहुँच जाते हैं कंप्यूटर के डिस्प्ले पे, जैसे हमें यहाँ पर टाइप करना होगा ERP हायर एजुकेशन हरियाणा। ठीक है, जैसे हम यहाँ पर प्रेस करेंगे, यहाँ पर इसको सर्च कर देना होगा। सर्च करने के बाद में आपको इस तरह से यहाँ पर एक नोटिस देखने को मिल जाएगा ERP। ठीक है, इस तरह के नाम से मिल जाए आपको ERP डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन हरियाणा। इस वाली साइट को आप ओपन कर लेना। ठीक है, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगी, आपके सामने हो गई ओपन। ठीक है, और इसकी ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ये साइट आपकी खुल गई है ERP डिपार्टमेंट हायर एजुकेशन हरियाणा के नाम से। ठीक है, यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है यूज़र नेम और पासवर्ड और ये कैप्चा। ठीक है, आप इसी साइट के जरिए UG और PG यानी आपकी जो BA, BCOM, BSc या फिर MSc, MA, MCOM जो भी है वो यहाँ से इसी साइट से फीस अप्लाई कर सकते हैं नेक्स्ट एडमिशन के लिए। ठीक है, यहाँ पर कम्प्लीटली आपको देखने को मिल रही है ये साइट। ठीक है, मैंने आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट दिखाई है, यहाँ पर यूज़र नेम कौन सा डालना है। यदि आपको यूज़र नेम नहीं पता है तो अपने कॉलेज में जाके जहाँ पर आपका एडमिशन है वहाँ से अपना यूज़र ID और पासवर्ड ले सकते हैं कम्प्लीटली। ठीक है, यहाँ पर कम्प्लीटली मैं आपको बताया है, जैसे आपको यहाँ पर यूज़र ID डालना होगा, फिर उसके बाद में अपना कैप्चा। ठीक है, कैप्चा तो लगभग सभी के आपका नाम मिलेगा, स्मॉल में बिल्कुल मिल जाएगा। ठीक है, और जो ये हमारा कैप्चा है यहाँ पर आपको फिल कर देना है। फिल करने के बाद में हमें लॉगिन कर देंगे। ठीक है, हम किसी भी एक स्टूडेंट का आपको ओपन करके दिखा देते हैं। ठीक है, उसमें क्या क्या स्टेप होंगी वो मैं स्टेप बता दूंगा। इस तरह से कंप्लीट हम किसी का यूजर नेम ID पासवर्ड डाल के ओपन कर लेते हैं। अब हमने किसी भी स्टूडेंट का ओपन कर लिया है, डैशबोर्ड पे पहुंच गए हैं कम्प्लीटली। इस तरह का आपको डैशबोर्ड देखने को मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ पर ही डैशबोर्ड देखने के बाद में यहाँ पर तो अपना नाम देख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर अपने जो कॉलेज है जहाँ पे एडमिशन है उस कॉलेज का नाम मिल जाएगा यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर आपको मेल या फीमेल है वो नाम मिल जाएगा, यहाँ पर ID और नीचे आपको कॉलेज के रोल नंबर देखने को मिल जाएंगे इस तरह से। ठीक है, स्टेप देखने मिल जाएगी। ठीक है, और लास्ट नीचे मैं आपको दिखा दूंगा, उसमें फ़ोटो भी आपको अपलोड करनी होगी, वो कैसे कर सकते हैं। ठीक है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं मैंने जैसे आपको यहाँ ऊपर किया, यहाँ पर देख सकते हैं कम्प्लीट सेकेंड ईयर कोर्स का है। ठीक है, और यहाँ पर BCOM के लिए फ़ीस है, यहाँ पर फीस स्टेटस देख सकते हैं अनपेड, यानी इस स्टूडेंट ने अभी तक कोई फीस जमा नहीं की है। ठीक है, इस तरह से यहाँ स्टेप देख सकते हैं, डैशबोर्ड का हमने ओपन कर रखा है, और यहाँ पर देख सकते हैं चूज फाइल करके अपनी फ़ोटो लगा सकते हैं, अपलोड करने के बाद में यहाँ पर अपलोड दिखा देगा। ठीक है, जैसे हम यहाँ पर अपलोड करें उसके बाद में अगले स्टेप में आपको दिखा देता हूँ उसमें क्या करना है। ठीक है, फ़ी पेमेंट करने का ऑप्शन कौन सा है, बेसिक इन्फॉर्मेशन यानी ये आपको कंप्लीट करनी होगी। मैं आपको ये वाला स्टेप भी ओपन करके दिखा देता हूँ, फिर उसके बाद में हम फीस पेमेंट करेंगे। ठीक है, आप स्टूडेंट बेसिक इन्फॉर्मेशन कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, अभी स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन हमारा ओपन होगा है, यहाँ पर स्टूडेंट फॉर्म दिखा रखा है, यहाँ पर कॉलेज देख सकते हैं, यहाँ पर आपका जो कोर्स स्ट्रीम है वो देख सकते हैं, यहाँ पर सेशन देख सकते हैं 21/22/21 और 22 के लिए है, यहाँ पर अपना नाम देख सकते हैं। फिर अगले स्टेप में हम फादर नेम वाले स्टोर में ये ओपन आपको दिखा देता हूँ। इसमें अब अगले स्टेप में हम पहुंच गए हैं यहाँ पर फादर नेम के बारे में, यहाँ पे फादर नेम देख सकते हैं, अपना मदर नेम देख सकते हैं, यहाँ पर अपन डेट ऑफ बर्थ देख सकते हैं, इस तरह से जो भी कैंडिडेट है उसका, यहाँ पे स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन ID है वो, कॉलेज रोल नंबर देख सकते हैं, यहाँ पर अपनी कैटेगरी भी देख सकते हैं कम्प्लीट। ये फिल की हुई कम्प्लीट आपको मिल जाएंगी। ठीक है, अब अगले वाले कॉलम में यहाँ पर आपको देख सकते हैं अपने मोबाइल नंबर। ठीक है, उसके अगले स्टेप में हम यहाँ पर आपको दिखा देते हैं, जैसे हम अगले स्टेप में पहुंच जाते हैं उसके बाद में यहाँ पर आपको देखने मिलेंगे अगले कॉलम में ईमेल ID, अपने आधार नंबर। ठीक है, यानी आपको ईमेल ID तो कंपलसरी है, या तो पहले से भरी हुई मिल जाएगी आपको जीमेल ID, या फिर आपको यहाँ पर फिल कर देनी होगी अपनी
पर्सनल आईडी है वो यहाँ पर फिल कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आपको ऑटोमेटिक ये हिडन मिलेगा कम्प्लीटली, और यहाँ पर अपना एड्रेस फिल कर देना होगा या पहले से भरा हुआ मिल जाए तो कोई दिक्कत नहीं, नहीं भी हो तो फिर यहाँ पर अपना एड्रेस फिल कर दें, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है परिवार पहचान पत्र आईडी, ठीक है, यानी अपनों को आपको फैमिली आईडी यहाँ पर फिल करनी होगी, ठीक है। ये फिल करने के बाद में अगले स्टेप में आप यहाँ पर देख सकते हैं कम्प्लीटली, यहाँ पर एक बात करेंगे फैमिली इनकम, यानी आपको जो फैमिली आईडी है उसमें इनकम कितनी फिल की हुई है यहाँ पर वो फैमिली आईडी में देखें, या फिर आपने इनकम बना रखी वो यहाँ पर इनकम फिल कर सकते हैं, ठीक है। यदि आप ओबीसी एससी से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पर अपने कास्ट सर्टिफिकेट नंबर फिल करना होगा। कास्ट सर्टिफिकेट फिल करने के बाद में कंप्लीट स्टेप, उसके बाद में आपको यहाँ पर अपडेट कर देना होगा, ठीक है। अपडेट करने के बाद में अगले स्टेप में मैं आपको फीस पेमेंट करके दिखाता हूँ। इसमें पे यानी आप फी पे में पे जैसे दबाएंगे आपके लिए कंप्लीट डिटेल खुल जाएगी और पैसे भी दिखा देगा कितने रुपए का आपको फी पेमेंट करनी है, ठीक। अब हम ऑनलाइन फी पेमेंट के ऑप्शन को ओपन कर दिया है, आपको फर्स्ट में यहां पर इस तरह से देखने को मिल जाएगी आपको ऑनलाइन फी पेमेंट के बारे में, ठीक है। जैसे मैं यहां पर स्क्रॉल से ऊपर करेंगे इसको पेज को, ठीक है, वो फी पेमेंट का आपको ऑप्शन दिखा देगा कितनी कितनी फीस कटेगी आपकी, कंप्लीट प्रोसेस दिखा देगा, ठीक है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं कम्प्लीटली कोर्स फीस कितनी क्या होगी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगी, टोटल है 1962 रुपये इसकी फ़ी पेमेंट करनी होगी, ठीक है। और यहाँ पर एक साइड में आपको हेड नेम देखने को मिल जाएंगे, ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं, और यहाँ पर कोर्स फीस देखने को मिल जाएगी, अलग अलग फीस दिखा रखी है सभी की, यहाँ पर देख सकते हैं सब्जेक्ट वाइज है, टोटल आप ये काउंट भी कर सकते हैं और यहाँ पर काउंटिंग आ जाएगी। यहाँ पर आपने टोटल नेट पेबल फीस दिखा रखी है, यहाँ पर देख सकते हैं 1962 फीस है, और यहाँ पर फिर उसके बाद में हम कर देंगे प्रोसीड फॉर फी पेमेंट। अब हम इसको प्रोसीड कर देते हैं, यानी ये करने के बाद में आपको इस तरह से कॉलेज ऑफ टाइप यानी गवर्नमेंट कॉलेज है फुल पेमेंट यहाँ पर कम्प्लीट देख सकते हैं, टोटल 1962 रुपये, उसके बाद में हम यहाँ पर पे कर देते हैं, ठीक है। जैसे हम पे करेंगे नेक्स्ट स्टेप पर पहुँच जाएंगे, जैसे हमने पे वाले ऑप्शन पे क्लिक किया उसके बाद में यहाँ पर आपको डिटेल देखने को मिल जाएगी, यहाँ पर टोटल अपनी फीस देख सकते हैं और यहाँ पर कौन से कार्ड से आप पे करना चाहते हैं, ठीक है। यानी टोटल टाइम के बारे में बात करें तो आपका यहाँ पर टाइमिंग देखने को मिल जाएगा, इस टाइम के अंडर में आपको कम्प्लीट फ़ी पेमेंट करनी होगी वरना आपकी फ़ीस पेंडिंग में चली जाएगी, ठीक है। उसमें 24 घंटे लग सकते हैं, फिर 72 घंटे लग सकते हैं पेंडिंग होने के बाद में, ठीक है। अब यहाँ पर हम आपको कार्ड दिखा देते हैं, टोटल कितने कार्ड दिखा रखे हैं, HDFC से कर सकते हैं या फिर अदर से भी कर सकते हैं कम्प्लीट, आपको यहाँ पर देख सकते हैं कम्प्लीट कार्ड दिखा रहे हैं, HDFC बैंक क्रेडिट कार्ड, HDFC बैंक डेबिट कार्ड या फिर अदर बैंक, यानी ये जो दिखा रखा है कॉलम अदर बैंक का है, और ये भी आपको देखने को मिल जाएगा अदर बैंक के लिए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं नेट बैंकिंग, यानी नेट बैंकिंग यूज भी कर सकते हैं, किसी भी कार्ड से अपना फी पेमेंट कर सकते हैं कम्प्लीट। जैसे हम करना चाहते हैं HDFC बैंक डेबिट कार्ड से पे करना चाहते हैं, यहाँ पर हम प्रेस कर देंगे, जैसे हम प्रेस करेंगे आपको इस तरह से ऑप्शन ओपन हो जाएंगे, ऑटोमेटिक कॉलम ओपन हो जाता है। यहाँ पर आपने कार्ड नंबर फिल करना है कम्प्लीट 16 डिजिट, यहाँ पर अपने जो अकाउंट है यानी कार्ड में नाम है वो यहाँ पर अपना नाम फिल करना है, ठीक है, और कम्प्लीट। उसके बाद में आपको ये स्टेप देखने को मिल रही है, ठीक है, जैसे मैं अपना नाम यहाँ पर भर सकता हूँ, ठीक है, इस तरह से अपना नाम फिल कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको देखने को मिल जाए अपने कार्ड का जो फ्रंट पेज है उस पर आपको देखने को मिल जाएगा वैलिडिटी कब तक है कार्ड की, ठीक है, यानी एक्सपायर कौन सी डेट को होगा वो यहाँ पर फिल कर सकते हैं। और यहाँ पर अपने ATM कार्ड का बैक साइड का CVV नंबर 3 डिजिट का होता है वो यहाँ पर फिल कर देना होगा, फिल करने के बाद में यहाँ पर आपको कन्फर्म पेमेंट कर देना होगा। जैसे आप कंफर्म पेमेंट करेंगे आपके पास OTP चला जाएगा, अपने जो अकाउंट से मोबाइल नंबर कनेक्ट है उसी पे OTP जाएगा, OTP जाने के बाद में आपको फिर इस ऑफिशियल वेबसाइट पे पहुंच जाते हैं, ठीक है। यानी कंप्लीट कंफर्म होने के बाद में फिर आप प्रिंट कैसे निकाल सकते हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ। इसमें अब हमको दोबारा से ओपन करना होगा, यानी हमने दोबारा से ओपन कर लिया है अपने डैशबोर्ड को कम्प्लीट, साइट को रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड लगा के वहाँ पर कम्प्लीट देख सकते हैं। डैशबोर्ड पे आपको इस तरह से देखने को मिल जाएगा फी पे स्टेटस देख सकते हैं, पेड अपेड को ऑप्शन दिखा रखा है, ठीक है। उसके बाद में आपको कैसे प्रिंट करना है और कौन से वाले ऑप्शन पर करना है मैं वो आपको दिखा देता हूँ। आपको जैसे हम डैशबोर्ड पर पहुँच जाते हैं यहाँ पर आपके सामने ये ऑप्शन देखने को मिल जाएगा फी रिपोर्ट के बारे में, जैसे हम फी रिपोर्ट पे दबाएंगे उसके बाद में आपको ना यहाँ पर एक साइड में PDF फाइल का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड करके प्रिंट निकाल सकते हैं।
आपके सामने इस तरह से ओपन हो जाएगी फी स्टेटस के बारे में। यहाँ पर मैंने आपको बताया है फी स्टेटस का, ठीक है। उसके बाद में आपको यहाँ पर एक कॉलम देखने को मिल जाएगा प्रिंट रिसिप्ट, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे इस वाले ओपन पे क्लिक कर देंगे, इन्हें प्रिंट रिसिप्ट भी दबा देंगे, आपके सामने पीडीएफ फाइल डाउनलोड हो जाएगी, ठीक है। वो पीडीएफ फाइल डाउनलोड करके अपना प्रिंट निकाल सकते हैं और अपने कॉलेज में जमा कर सकते हैं, आपके पास सुरक्षित भी रख सकते हैं कम्प्लीटली, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको कम्प्लीट बताई है। तो गाइज मैंने आपको कम्प्लीट फॉर्म भर के स्टेप बाय स्टेप बताया है और फी पेमेंट के बारे में कम्प्लीट प्रोसेस दिखलाया है आपको फॉर्म भर के, ठीक, स्टेप बाय स्टेप कम्प्लीट डिस्प्ले पे, ठीक है। और आपको ये फॉर्म भरने की फीस की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। लाइक आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर से करें और शेयर करें, कमेंट करें। यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपके पास इसी तरह की नई नई वीडियो देखने को मिल जाएगी, ठीक है। और हमारे नेक्स्ट वीडियो तो नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।